रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश जी से। पिछले हिस्से में हमने उनके बचपन और दिल्ली पहुंचने तक के सफर पर बातचीत की, उससे आगे का हिस्सा अब देखिए। अब आते हैं इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में, जिसमें आपका दिल्ली आगमन हो गया और मैंने सुना है कि शुभा जी को नंबर देके आप आ गए थे और ये सोच के कि अब कभी ना कभी तो कॉल आएगा ही, लेकिन वो कॉल जितना जल्दी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे पहले ही वो कॉल आ गया। जी 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 जी, एक्चुअली उसमें भी बड़ी अच्छी कहानी ये हुई कि हम गए थे, हम कुछ हमारे स्टूडेंट हमसे पहले दिल्ली आ गए थे। तो, अच्छा हाँ, तो यहाँ हम जब आए तो वो लोग थे दो चार लोग, तो हमारा एक ही रूटीन था कि हम रोज चले जाते थे मंडी हाउस। कभी पंडित राजन साजन जी का प्रोग्राम हो रहा है, कभी पंडित जसराज जी का प्रोग्राम हो रहा है, कभी उस्ताद शाहिद परवेज बजा रहे हैं, जाकिर भाई बजा रहे हैं, तो हम जाते थे। उसी में एक क्रम में हमने देखा कि शुभा जी गा रही हैं और वो दिल्ली में रहती हैं, तो हमने सोचा कि शुभा जी से कॉन्टेक्ट किया जाए और हमको ऐसा लगा कि शायद इनको तबले की जरूरत है। पता है ना कि एज ए तबला प्लेयर हमको लगा कि शायद अगर हम यहाँ पहुंचे तो ये एकदम से हमको मौका मिलेगा कुछ काम करने का। तो हमने किसी को बोला, तो वो नंबर दिया, हमने फोन किया उनको, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मिथिलेश जी, मैं एक्चुअली अभी तो इलाहाबाद जा रही हूँ, आप मैं आऊंगी लौट के 10-15 दिन के बाद आऊंगी, तो फिर आप बात करिएगा, फिर देखेंगे जैसा होगा। तो ऐसा लगा जैसे कि ठीक है, एक बात हुई और सोचा कि चलो पिंड छोटा बात कर लिया। लेकिन संजोग मैं इसलिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे पूर्णिया में एक राजा साहब थे, कुमार श्यामानंद सिंह जी, बनेली स्टेट, जिनका TNV कॉलेज वगैरह सब है। तो वो गाते थे बहुत अच्छा, मतलब सीखा हुआ गाते थे। पंडित उस्ताद फैयाज खान साहब के घराने से, आगरा घराने से सीखा था उन्होंने, और पंडित भीष्मदेव चटर्जी के गंडाबंद शागिर थे, और उनके दरबार में सब केसर भाई केरकर, बड़े गुलाम अली खान साहब, सब लोग जाते थे, गाना बजाना होता था, वो गाते थे, वो हमको बहुत प्यार करते थे छोटे से। तो उनके सबसे छोटे भाई, वो इलाहाबाद में क्लाइव रोड में रहते थे, उनकी कोठी थी वहां, और उनके ताल्लुकात थे। तो शुभा जी जब गई थी इलाहाबाद, तो उनसे बातचीत में उन्होंने बोला कि एक हमारे यहाँ से बड़ा अच्छा तबला बजाने वाला गया है अभी दिल्ली, तो बोले कि क्या नाम है, तो बोले उसका नाम मिथिलेश है, बहुत अच्छा बजाता है। तो शुभा जी को लगा कि अरे उनका तो फोन आया था, लेकिन हम अब पता नहीं, उनका तो नंबर कोई है नहीं, अब उनका फोन आता है कि नहीं आता है उनको नहीं पता। अच्छा, हम भी ये सोच रहे थे अब करेंगे फोन, लेकिन मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही थी, वाइफ को ध्यान था, वाइफ ने बोला कि 10 दिन हो गया आप फोन करिए, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। तो हमने फोन किया तो शुभा जी ने एकदम, वो आवाज में एक आकर्षण ये था कि अच्छा हाँ मिथिलेश जी, अरे आप ये बताइए आप कब फ्री हैं। हम तो बोले हम फ्री ही हैं, आप जब कह दें। तो बोले क्या कि आज आप आ सकते हैं, हम बोले बिल्कुल आ सकते हैं। तो एड्रेस दिया उन्होंने, मोतिया खान में रहती थी, तो हमने ऑटो रिक्शा लिया और पहुंच गए उनके पास, और पहुंच गए बस वो बैठी गाने के लिए। करीब 1-1.5 घंटे हम लोग बैठे होंगे, गाना बजाना हुआ, निकलने लगे तो एक तहजीबन बड़ी बहुत मतलब कमाल की लेडी है, वो एक लिफाफा दिया उन्होंने, और लिफाफा तो दिया ही, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस समय। सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रगलर को जो आया हो ये सोचने के लिए क्या होगा, और ये सोच रहा उसको कोई नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है कि इस फील्ड में कैसे काम करना है, उनको ये बताया कि कल से काम करते हैं हम लोग साथ में। और उस समय सुभा जी बड़ी बिजी थी, रोज के रिकॉर्डिंग हो रहे थे, हमको उस समय 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 रिकॉर्डिंग भी मिल जाते, तो हमको लगा उस समय 96 में अगर 2,000 रुपये पॉकेट में आ गए तो ऐसा लगता था कि अब तो हम राजा हो गए, तो दिल्ली में और कुछ चाहिए नहीं। तो हमारा जैसा मन था, हम एकदम शांति से काम किए जा रहे थे। अब
ये शुभाजी से जुड़ने का एक पहला ये था। और उस्ताद जी के यहाँ हम रोज फोन करते थे कि कब मुलाकात हो सकती है। वो फोन हमने किया 8 महीने 6 महीने लगातार, और अभी भी हमको याद है जनवरी से लेके जुलाई तक फोन किया। जुलाई में हमको एक दिन बात हो पाई उस्ताद जी से, सबसे पहले काकी माँ से। उन्होंने बोला हाँ आपका फोन बहुत दिनों से आ रहा है क्या, तो हम बोले हम उस्ताद जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो अच्छा मैं पूछती हूँ, रुके उन वीडियो कॉन का कुछ वजूका का उस समय वो ये करते थे, उसका कुछ शूटिंग चल रहा था। तो उस्ताद जी ने उसी बीच में फोन लेके 2 मिनट हमसे बात किया। हाँ बेटा क्या चाहिए, नौकरी चाहिए? बोले नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए, नौकरी तो छोड़ के आया। तो उन्होंने एक नंबर दिया हमको कि ये नंबर लीजिए, ये हमारे सीनियर शागिर्द हैं और इनसे मिलिए, ये तय करेंगे कि हम कब मिलेंगे। तो वो थे प्रमोद शंकर, ये उनके शागिर्द, वो टाइम्स म्यूजिक में बड़े पोस्ट पर थे प्रमोद शंकर जी। तो प्रमोद शंकर जी ने हमको सुना और उस्ताद जी को फोन किया, उस्ताद जी तो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो उस्ताद जी ने, ये बात है 28 जुलाई की, और 30 जुलाई को उस्ताद जी ने हमको बुलाया, उस दिन गुरु पूर्णिमा था। क्या बात। तो सारे लोग जा रहे थे, उन्होंने बुलाया कि मतलब प्रमोद शंकर जी को बोला कि उसको बोलो तुम लोगों के साथ ही आ जाए, तबला भी सुनेंगे और खाना पीना भी यही होगा, तो उसको बोल दो। प्रमोद शंकर जी ने बोला, तो बहुत लोगों का एहसान है मेरे लाइफ में, प्रमोद शंकर जी का भी है, उस्ताद जी का तो है ही, मेरे गुरु जी का भी है, जिन्होंने एक मतलब हमको अलाउ किया कि तुम जाओ वहां। लेकिन मैं बहुत इस जो आखिरी लाइन आपने कही उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि इस तरह के जब आप रिस्क लेते हैं कि बिहार में नौकरी है, नौकरी छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे, कुछ अता पता नहीं है, ये भी नहीं पता है कि दिल्ली जाके क्या करना है, इसमें परिवार का जो सहयोग चाहिए होता है और जिस लेवल पर कॉन्फिडेंस परिवार से चाहिए होता है, आप इस मामले में बहुत खुशनसीब रहे कि बहुत साथ मिला आपको परिवार वालों का। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा, एक तो एक इसी क्रम में एक और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं लेकिन मित्रता का सम्मान दिया हुआ है उन्होंने, तो मित्र ही हमको मानते भी हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं। वो हैं बिहार में सरजू मिश्रा जी हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, ये बहुत पहले जब इंद्रश्री दुबे जी थे चीफ मिनिस्टर, उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं शंभुनाथ मिश्र, वैसे तो वो पॉलिटिक्स में थे, तारिक अनवर साहब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और शंभुनाथ मिश्रा उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनका एक गाने बजाने का एक शौक था कि उनको दो चीज की कमजोरी थी। शंभू बाबू जब भी अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में भी कहीं जाते थे तो उनको या तो कोई कलाकार चाहिए साथ में और या तो कोई खिलाड़ी चाहिए साथ में। तो कलाकार जब चाहिए होता था तो वो हमारी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि वो कभी भी गाड़ी में जा रहे हैं मिथिलेश जी चलिए, कहाँ चल रहे हैं चलिए चलते हैं, पटना गए बैठे हैं बातचीत। तो उस जब दिल्ली आने की बात हुई थी तो सबसे पहले उनका उनका दो लड़का, वो अभी भी अब दिल्ली में ही रहते हैं, अब नौकरी करते हैं, पढ़ रहे थे उन दोनों, तो उन्हीं के पास सबसे पहले हम आए थे, एक दिन उनके पास रुके थे और दूसरे दिन वहां से हम लोगों ने, दोनों वाइफ हस्बैंड थे, जाके किराए पर घर लिया था। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सबसे पहले वो हमको दिल्ली लेके आए थे मतलब ऐसे ही घूमने के लिए कि चलिए, और उन्होंने भी बहुत मॉरल जो सपोर्ट करते हैं वो दिया कि अरे कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं है, आप जाएंगे तो आप। और एक और मित्र थे हमारे कलाकार मित्र, बलराम पाठक जी के शिष्य थे वो, तो उनके साथ हम बहुत प्रोग्राम करते थे बिहार में। उन्होंने कहा कि तुम, और वो भी हमसे, हमारे जितने मित्र हैं सब हमसे उम्र में कम से कम 20 साल बड़े तो उन्होंने कहा कि अरे तुमको पता नहीं है, तुम एक बार जाओ तो सही, जैसे जंगल में आग लगता है ऐसे होगा, तुमको तुमको बेकार का ये सब डर होता है, तुम बिहार में पढ़े हुए हो, तुम निकलो। और निकले तो सचमुच में लोगों ने बहुत प्यार दिया और वो प्यार खत्म नहीं हो पा रहा है, उससे चल रहा है, ग्रेस मिलता जा रहा है।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप उस्ताद जी के साथ या उस्ताद शाहिद परवेज के साथ या भारत के तमाम बड़े कलाकारों के साथ संगत करते हैं, तो उन कलाकारों का जो कद है संगीत के क्षेत्र में, वो तो आप अभी उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उम्र पे ही बात कर रहे हैं, वो उम्र में भी आपसे अच्छी खासी, उनकी उनकी उम्र आपसे ज्यादा है, तो वो ये जो आपके सारे मित्र हैं 20-20 साल बड़े वाले, इससे आपको आराम मिलता होगा, उनसे डर नहीं लगता होगा, लगता होगा चलो ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे हम उस्ताद शाहिद परवेज जी के साथ, अभी हम ऐसे तो भाई साहब भी बोल देते हैं, शाहिद भाई भी बोल देते हैं, लेकिन पब्लिकली तो उस्ताद हैं ही वो, और वो अलग बात है वो छोटे भाई की तरह मानते हैं हमको। तो जब बातचीत करते हैं तो शाहिद भाई बराबर हमको बोलते हैं कि मिथिलेश जी आप खाली तबला अच्छा बजाते हैं इसीलिए हम आपको नहीं इतना प्रेफर करते, हमको आपके साथ बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? फिर बोले कि क्यों अच्छा लगता है कि आप बहुत मतलब एक लॉजिकल बात करते हैं और आपकी बातों से लगता है आपने उस बात का अनुभव किया हुआ है, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कलाकारों में भी कि उनको बहुत अच्छा लगता है। रोनुदा कहते हैं कि मिथिलेश भाई आपके साथ प्रोग्राम हो गया, उसके बाद जो घंटा दो घंटा बैठना होता है वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है ये नहीं पता है, लेकिन अच्छा लगता है। तो हमको लगता है ये जो बड़े लोगों से दोस्ती है और उनके उनका जो एक मतलब मानसिक जो कद है उसमें धीरे 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 उन्होंने अपने मानसिक कद के बराबर हमको कर दिया होगा शायद, तभी लोगों के बीच खप जाते हैं। रोनुदा तो इतना स्नेह करते हैं रागगिरी को, और मुझे अभी उनके ऊपर जो फिल्म बनी थी, जो फिल्म डिवीजन की, उसमें भी शुरुआत का जो हिस्सा है वो मैंने जो इस तरह की बातचीत जैसे आपके साथ कर रहा हूँ, वैसे ही उस बातचीत में जो मैंने रोनुदा का परिचय दिया था, वो परिचय ही उस फिल्म की शुरुआत में लगाया गया है। तो रोनुदा तो मतलब जितने कमाल के कलाकार हैं, जितने सहज कलाकार हैं, उतने ही कमाल के वो व्यक्ति भी हैं। अच्छा मिथिलेश जी, कभी ऐसा होता है क्या कि जैसे मान लेते हैं किसी बड़े कलाकार के साथ एक कार्यक्रम हुआ, जी क्या बड़े कलाकार के साथ नहीं, किसी भी कलाकार के साथ इसको कहना चाहिए, कार्यक्रम हुआ और वहां समय सीमा थी, मान लेते हैं कि आपके सामने 60 मिनट का समय आपको दिया गया था कि 60 मिनट बजाना है, कभी ऐसा भी होता है कि वो 60 मिनट बजा के आए और मन नहीं भरा, तो फिर जब होटल में लौटे तो कहे यार मजा नहीं आया, चलो हम लोग बैठ के फिर से बजाते हैं, कभी ऐसा होता है? जी हुआ है, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये हम आपको बताते हैं, राशिद भाई के साथ हुआ है। राशिद भाई के साथ एक रिकॉर्डिंग थी और टेलीविजन की रिकॉर्डिंग थी, मतलब टेलीविजन के लिए हो रहा था, लेकिन बाहर हो रहा था किसी फिल्म, तो और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छा हो गया, सब शूटिंग बहुत अच्छी हो गई, गाना बजाना हो गया, फिर हम लोग कहीं जहाँ खाना था हम लोगों का वहां भी बैठे, वहां खाना भी हो गया, थोड़ा गाना बजाना भी हो गया, फिर जब हम लोग निकले तो राशिद भाई कहते हैं यार कहाँ जा रहे हो तुम लोग, क्या क्या कर रहे हो? हम बोले अब अरे सबको जाने दीजिए, सब लोग परिवार वाले लोग हैं, तो कहते हैं कि अरे छोड़ो यार चलो होटल चलते हैं। तो वो होटल में थे तो पहले होटल चलो फिर देखो, फिर होटल ले जाके और 3:30 बजे रात तक गाना बजाना हुआ। और वो आपको हम ये बताते हैं शिवेंद्र जी कि ये कई बार होता है और कि वो गाना बजाना शायद कभी स्टेज पर संभव नहीं है, वो जो होता है कई बार तो हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ग्रीन रूम में 10 मिनट में ऐसा गाना बजाना हो जाता है कि हम लोगों का मन उसी से भर जाता है, बाद में तो स्टेज में भगवान जानता है कि जो भी होगा देख लेंगे, ये होता है। और वो आपने कहा तो हमको याद आ गया राशिद भाई वाली बात कि महमूद भाई, आखिरी में मिथिलेश जी मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस सहजता से हम लोग बात कर रहे हैं, एक कलाकार के लिए सहज होना कितना जरूरी है? अगर आपको कला में असर चाहिए, आपकी कला का असर हो, वो सस्टेन करे, तो आपको सहज होना जरूरी है। अगर आपकी कला में
संवेदनशीलता है तो आपको सहज होना नहीं पड़ेगा, आप सहज हो ही जाएंगे। तो जितने बड़े कलाकार, इसीलिए जितने भी हम हमारी नजर में बड़े कलाकार हैं और जब हम लोग कहते हैं वो बहुत सहज हैं, तो इसके इस सहज होने के लिए उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। वो जो कला का जो व्यक्तित्व है, कला इतना बड़ा है ना, उसके पास जब वो बैठते हैं तो जब उसकी ऊंचाई का एहसास करते हैं वो सहज हो जाते हैं कि धीरे 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 उनके ऊपर सहजता इतना हावी हो जाता है कि दुनिया के लिए उनको लोगों को लगता है कि ये सहज है, लेकिन नहीं, वो सहज होना उनकी मजबूरी है, वो असहज हो ही नहीं सकते। और अगर वो असहज होंगे तो उनके कला की जो संवेदनशीलता है वो इफेक्टेड हो जाएगी। जो छुअन है, जो प्राकृतिक रूप से तबला हो, गाना हो, सितार हो, वो जो आपके हृदय को जो छूता है, जो आपको भुला देता है कि अभी 10:30 बजे 11 बज जाएंगे तो मेट्रो नहीं मिलेगा, आप जब निकलते हैं बाहर तब आपको पता लगता है कि अरे 11 बज गए क्या, अच्छा तो अब तो मेट्रो नहीं मिलेगा। ये तभी हो सकता है जब वो कलाकार सहज है, जो कहना चाह रहा है सितार के माध्यम से कह रहा है, गाने के माध्यम से कह रहा है, तबले के माध्यम से कह रहा है, और वो कनेक्ट कर रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है। ये जब तक वो सहज नहीं है तब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरे पास पहुंचेगा, हमको पता है कि धातृक धागे दीना गिना, हम जानते हैं कि बज रहा है, आपको बोलों का नहीं पता कि ये धातृक धागे ने धागे नहीं, लेकिन जब धातृक धागे ने धागे दीना धागे ने धागे दीना गिना वो बजता है, तो यार कोई आपको कहता है कि सुनिए अभी फलाने का फोन आ रहा है, थोड़ा बात कर लें, रुको रुको 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट रुको बात, ऐसे इशारा करते हैं, आपको संगीत नहीं समझ आ रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्ट जो कर रहा है उस बोल की सहजता। मिथिलेश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई। दरअसल ये लगा ही नहीं कि हम कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे अपने घर में बैठे किसी एक अपने परिवार के व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। आपकी सहजता के लिए, आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार रागगिरी के सभी श्रोताओं को, जो हमको अभी देख पा रहे हैं या जो बाद में भी देखेंगे, सबको मेरा नमस्कार, और खास करके शिवेंद्र भाई को कि इन्होंने हमको इस लायक समझा कि इस मंच पर से हमको अपनी बात कहने का मौका दिया, और इतने सहज ढंग से आपने बात किया शिवेंद्र भाई कि आपको अलग से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा है बात करके, कभी भी कुछ होता है रागगिरी के लिए तो मैं जरूर करना चाहूंगा। धन्यवाद।